सभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड अभी आके पहुंची है ट्रेन अलीबाग। ये ट्रेन अलीबाग पहुंचने वाली थी रात को 3:20 को, सो भाई ट्रेन बहुत लेट चल रही है। 11 बजे तक हम अलीबाग पहुंचे तो शाम हो जाएगी हरिद्वार पहुंचते पहुंचते। हे गाइस, दिस इज प्रसाद एंड यू वाचिंग ऑल ओवर इंडिया। वेलकम टू अंदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा और एक ट्रेन जर्नी में। मैं अभी हूँ प्रयागराज में। प्रयागराज से 13 किलोमीटर की दूरी पर और एक स्टेशन है जिसका नाम है सुबेदारगंज, एंड सुबेदारगंज से एक ट्रेन निकलती है जो की जाती है देहरादून। उसी ट्रेन में मैं जा रहा हूँ आज हरिद्वार। आज की मेरी जर्नी होने वाली है देहरादून एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 14113। ये ट्रेन यूपी के सुबेदारगंज से 8:50 को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलकर दूसरे दिन सुबह 12:20 को देहरादून पहुंच जाती है। मैं हरिद्वार तक ट्रैवल कर रहा हूं, तो ये ट्रेन सुबह 10:50 को उत्तराखंड हरिद्वार स्टेशन पर पहुंच जाएगी। ये जो जर्नी है, ये जर्नी हो रही है सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस में। अभी बज रहे हैं 8:20 एंड रात के 8:50 को ये ट्रेन निकलेगी यहाँ से, यानी कि सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 एंड मेरे ठीक साइड पे ट्रेन आके खड़ी है। बेसिकली ये ट्रेन यहाँ से ही निकलती है, लेकिन अभी ट्रेन लेट चल रही है क्योंकि यहाँ यानी कि जो अपना स्टेशन है सुबेदारगंज, वहाँ पर ये ट्रेन आके लेट पहुँची। मुझे S5 कोच मिडिल बर्थ अलर्ट हुआ है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि ये ट्रेन पूरा खाली है, मैं कहीं पे भी बैठ के जा सकता हूँ। ये ट्रेन 861 किलोमीटर की दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में 15 घंटे में पूरा करती है इंजन रन। टोटल 21 हॉल्ट है। इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। बाहर से खाना आता है और आप चाहे तो आप ऑनलाइन भी खाना यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। कोच में अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका ये बाथरूम है एंड मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी साफ़ सुथरा लगा। ये हो सकता है कि ये ट्रेन यहीं से निकल रही है इसलिए साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी काफ़ी साफ़ सुथरा है भाई, ये देखो। एंड आजकल तो ये वाला चीज़ ऑटोमेटिक फ्लश ये अवेलेबल है, एंड काफ़ी सही लगा, काफ़ी साफ़ सुथरा लगा मुझे। एंड ये ट्रेन अभी तक 9:30 बज चुके, निकली नहीं है स्टेशन से। 9:20 को ये रीशेड्यूल हुई थी, 9:20 को इसका एक्चुअल टाइम था 8:50। पता नहीं ये कब तक निकलेगी, अभी तक तो 40 मिनट लेट चल रही है। अभी ये निकली है यहाँ से इंडिया, अपने डेस्टिनेशन देहरादून पहुँचेगी कल सुबह, जिसका एक्चुअल टाइम था 10:50 हरिद्वार के लिए, एंड उसके बाद देहरादून 12 बजे तक पहुँचने वाली थी, लेकिन ये ट्रेन अभी लेट चल रही है एंड पता नहीं कब तक पहुँचेगी। लगभग 1 घंटा तो लेट है ही ये ट्रेन, क्योंकि यहाँ से 40 मिनट लेट ये ट्रेन निकले। दिसंबर जनवरी के महीने में नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में ठंड काफी रहती है। मैं आज स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ और साथ में ओढ़ने के लिए मैं कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि प्रयागराज तक मैं राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था एंड फिर दिल्ली से भुवनेश्वर भी मैं राजधानी में ट्रैवल करने वाला हूँ, एंड वहाँ पर चद्दर कंबल वगैरह सब अलॉट हो जाते हैं, इसीलिए साथ में कैरी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठंड इतना है कि मेरी सांसें जम रही है। हमने डिनर करके ही ट्रेन बोर्ड किया था, तो खाने का कोई इशू नहीं था। अब सुबह उठकर डायरेक्टली किसी स्टेशन पर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:20 एंड ये ट्रेन लगभग 6 घंटे लेट चल रही है, क्योंकि अभी तक तो मुझे हरिद्वार में पहुंचाना चाहिए था, यानी कि हरिद्वार के आसपास, क्योंकि 11 बजे तक ये हरिद्वार पहुंचने वाली थी। 10:55 आई थिंक इसका राइट टाइम है, लेकिन अभी तक हम हाथरस जंक्शन तक ही पहुँचे हैं, अभी तक अलीगढ़ नहीं आया है, एंड अलीगढ़ आने के बाद भी 5-6 घंटे लगने वाले हैं हरिद्वार पहुँचने के लिए। सुबह उठते ही मैंने चाय एंड बिस्किट का आनंद लिया। तो ये जो कोहरा आप देख रहे हैं, इसी कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ से 20-25 मीटर दूरी पर क्या है वो भी नहीं दिख रहा, इतना कोहरा है इधर। फॉग की वजह से ही आजकल ट्रेन लेट चल रही है। जब मैं आया था राजधानी में, वहाँ पर भी 6-7 घंटे लेट थी ट्रेन,
घंटे, यहाँ पर भी 7 घंटे लगभग ट्रेन लेट है। तो पता नहीं क्या कुछ होगा भाई, कब तक पहुँचेंगे हम हरिद्वार। एंड देहरादून वालों के लिए तो भाई रात होने वाली है, देखते हैं। सभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड अभी आके ये पहुँची है ट्रेन अलीबाग। लेकिन बेसिकली ये ट्रेन अलीबाग पहुँचने वाली थी रात को 3:20 को, सो भाई ट्रेन बहुत लेट चल रही है। 11 बजे तक हम अलीबाग पहुँचे तो शाम हो जाएगी हरिद्वार पहुँचते पहुँचते। सो गाइस अभी अलीबाग स्टेशन से मैंने पूरी सब्जी ली है, 1 का 40, 2 का 80, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पता नहीं भाई, गर्म तो लग रहा है। अलीबाग स्टेशन से लिए हुए पूरी सब्जी एवरेज थी, टेस्ट उतना खास नहीं था, ऑयली भी नहीं था, लेकिन 40 रुपए के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ब्रेकफास्ट मुझे ठीक ठाक ही लगा। बाहर पूरा कोहरा ही कोहरा था एंड बड़ी मुश्किल से चीजें नजर आ रही थी। फॉग ही असली कारण है ट्रेन लेट होने की। भाई ये ट्रेन अब 8 घंटे लेट चल रही थी। फिर कुछ ही देर बाद चंदूसी जंक्शन में मैंने समोसा का लुत्फ उठाया जो कि काफी सही था। थैंक यू। गरम समोसे 20 के 4 अभी आ रहा गुड़िया। मिर्ची मिर्ची उठ क्या चटनी है भाई? सब समोसे डालने पड़े चटनी में और देना भैया। नहीं 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 चार ही चाहिए। गरम समोसे 20 के। अभी बज रहे हैं 3:20 अहमदाबाद जंक्शन क्रॉस की एंड पता नहीं भाई कब तक हरिद्वार पहुँचेगी क्योंकि ट्रेन लगभग 7-8 घंटे लेट चल रही है भाई। तो गाइस ये है चंदोक रेलवे स्टेशन जो कि यूपी का लास्ट रेलवे स्टेशन है इस रूट का, यानी कि यूपी फिर उत्तराखंड, इस रूट का ये लास्ट स्टेशन है। इसका बाद वाला स्टेशन रहेगा उत्तराखंड का एंड फिर जो नेक्स्ट स्टेशन रहेगा, वेरी नेक्स्ट स्टेशन, वो होगा हरिद्वार। सो अभी बज रहे 5:30-6 बजने को है एंड हरिद्वार अभी तक नहीं पहुँचे और लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा यहाँ से हरिद्वार पहुँचने के लिए। ट्रेन लेट होने की वजह से ट्रेन में ज़्यादातर लोगों ने लंच नहीं किया था और मैंने भी लंच अपना स्किप कर दिया। ये सफ़र मेरा काफ़ी अच्छा रहा, ज़्यादा भीड़ नहीं थी ट्रेन में, लेकिन ट्रेन लेट चलने से खाने पीने में तो दिक्कत हुई ही। सो गाइस फाइनली मैं आके पहुंच चुका हूँ हरिद्वार एंड अभी बज रहे 5:30। 6:30 तक मैं आके पहुंच गया हूँ मेरे डेस्टिनेशन पर एंड ये ट्रेन जाएगी देहरादून वापस। एंड ये जो जर्नी था ये काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि 8-10 घंटा ट्रेन लेट हो गया। ठीक है भाई चलेगा, कभी कभी ऐसे हो जाता है क्योंकि भाई फॉग बहुत ही ज़्यादा था एंड फॉग के टाइम पर ट्रेन ऐसे ही लेट हो जाता है। सो ये थी मेरी जर्नी हरिद्वार तक एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए इस वीडियो को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो ऐसे ही किसी ट्रेन के सफर में या फिर ट्रैवल ब्लॉग या फिर फूड ब्लॉग में मिलता हूँ मैं आपके साथ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया।